तो मैं आज लेकर आई हूँ एक ऐसी सब्जी जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोग मुंह टेढ़ा कर देते हैं, जो है हमारा बेचारा करेला। तो आज मैं बनाना सिखाऊंगी करेले की एक ऐसी सब्जी जिसमें करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बहुत ही ये एक लाजवाब सी सब्जी बनती है घर के बेसिक से इंग्रेडिएंट में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल खाने की आरजू, और चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक मीडियम साइज़ के करीब करीब 250 ग्राम 3 करेले लिए हैं। उसे इस तरह से पहले उसे अच्छे से मैंने धो लिया और फिर इस तरह से ऊपर नीचे का उसका जो नोक है वो काट के उसको बीच में से स्लिट लगाया और सारा जो बीच का पल्प है यानी कि उसके सीड्स हैं वो निकाल दी। उसके बाद मैंने लिया ये 1 टीस्पून हल्दी और नमक और इसे अच्छे से पहले मिक्स किया, और इसे इस हल्दी और नमक के पेस्ट को हमें अच्छे से करेले का जो अंदर का जो साइड है उस पर कोट कर देना है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसे बहुत अच्छे से कोट करें क्योंकि यही जो है वो हमारे करेले के कड़वेपन को पूरी तरह ख़त्म करेगा। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि उसे फ्राई करते हैं या तो पानी में उबालते हैं, जिसकी वजह से करेले की न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ जो है वो निकल जाती हैं। तो यहाँ मैं उसके बजाय क्या कर रही हूँ, तो ये जो करेला है उसे इस तरह से एक कढ़ाई में रख के नीचे पानी रखा है, उसके ऊपर प्लेट, और फिर इसे स्टीम करूँगी करीब 5 से 6 मिनट के लिए। इससे करेला पक भी जाएगा, उसका कड़वापन भी निकल जाएगा और उसकी न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज़ भी ख़त्म नहीं होंगी। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली, कढ़ाई में हम वो जो सब्ज़ी है उसका मसाला या ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 1/4 कप ड्राई कोकोनट लिया और कुछ 1/4 कप पीनट्स लिए। उसके साथ ही जैसे कि आप देख रहे हैं हरी मिर्च, अदरक और लहसुन ली, लहसुन करीब 7 से 8 कली ली। उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया और उसके बाद ज़ीरा, ये साबुत धनिया लिया और कड़ी पत्ते लिए मैंने। कड़ी पत्ते जो है वो आप सब्ज़ी में तड़के में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें भी ऐड करती हूँ क्योंकि वो अच्छे से पेट में जाता है, कोई नखरे वगैरह नहीं होते और वो उसके हेल्दी प्रॉपर्टीज़ जो है उसके हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके बाद इस पर इसको गैस पे चढ़ा के मैंने करीब 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से रोस्ट किया, कोई तेल वगैरह नहीं डालना है। अच्छे से रोस्ट होने के बाद उसे ठंडा होने देना है। फिर आते हैं हमारे करेले के पास, करेले भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं। तो ये मैंने एक नींबू के साइज़ का गोला लिया था इमली का, जिसको मैंने अच्छे से धोकर पानी में भिगोने रखा था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, उसकी जो बीज है वो निकाल देनी है। उसके बाद ये सारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 1 टीस्पून हींग, उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा आधा चम्मच एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं अगर आपको और तीखी सब्ज़ी चाहिए। उसके बाद ये हमने भिगोई हुई इमली ऐड की, और साथ ही में उसके ये 1 चम्मच मैंने गुड़ लिया। अगर गुड़ ना हो तो इसके बजाय आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बिल्कुल दरदरा सा हमें पल्स मोड पे अच्छे से उसका एक पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल भी फाइन पेस्ट नहीं करना है, उसे दरदरा ही रखना है। उसके बाद ये मैंने स्टीम किए हुए करेले लिए, उसे भी थोड़ा सा ठंडा होने दिया मैंने पेस्ट बनाने तक का, और फिर इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं वो सारे मिक्सचर को अंदर अच्छे से दबाते हुए मैंने उसमें भर लिया। हमें बहुत ही अच्छे से इसे टाइटली सील कर देना है ताकि वो मसाला खुल के पूरा बाहर ना आ जाए, और जो ये एक्स्ट्रा मसाला बचा है वो मैं जब सब्ज़ी बनाऊंगी यानी कि तड़का दूंगी तब उसकी ग्रेवी के लिए उसका इस्तेमाल करूंगी। अब कढ़ाई रखी, कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम किया और उसमें 1 फाइन चॉप किया हुआ प्याज मिलाया, साथ ही में थोड़ी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर मिलाई। इसे अच्छे से हमें सौते करना है करीब 1 मिनट के लिए, जब तक कि प्याज का कच्चापन ना निकल जाए। ये सारा कुछ हमें लो फ्लेम पे करना है। साथ ही में मैंने और थोड़े 5-6 कड़ी पत्ते मिलाए। कड़ी पत्ते का इस्तेमाल मैं थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ, अगर आपको इसमें इस स्टेज पे कड़ी पत्ता नहीं मिलाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये अच्छा खासा फ्लेवर देता है। उसके बाद इसमें स्टफ़ किए हुए करेलों को मिलाया और उसे सॉटे किया करीब 1 मिनट तक, और उसके बाद हम इसमें जो बचा हुआ हमारा एक्स्ट्रा पेस्ट था उस पेस्ट को मिलाकर भी धीरे धीरे करके इसमें मिक्स करें। अगर इस पॉइंट पे आप चाहे थोड़ी सी सब्ज़ी आपको पतली चाहिए होगी तो आप थोड़ा सा पानी आधा कप मिला सकते हैं, उसे कवर करें और 5 से 6 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे स्टीम होने दें। तो देख सकते हैं कि करेले जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब थोड़ा सा हरा धनिया के साथ उसे गार्निश करें और हमारी करेले की सब्ज़ी रेडी है। इसे आप रोटी या भाकरी वगैरह के साथ बिल्कुल इन्जॉय कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।